रहे एक और मेगा प्रोजेक्ट जो कि एशिया का सबसे महंगा क्रिकेट स्टेडियम होने जा रहा है। जबकि बांग्लादेश ने 2024 का T20 वर्ल्ड कप भी होस्ट करना था, तो पहले इस स्टेडियम को इस इवेंट का फाइनल मुनक्किद करने की ख्वाहिश रखी गई थी। अस्सलाम वालेकुम, अपनारा केमन आसेन, आशा करी सबाई भलो आसेन। आमी जुनेद, अपनारा देखते सन जुनेद अली ऑफिशियल। आमी अपनादर जुन्नो आक्ती वीडियो प्ले करते जाच्छी, सबाई देखबेन, आशा करी सबाई देखबेन, भलो लगबे। आज बात करने वाले हैं कि हर तरफ धूम है बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की जो बांग्लादेश में बन रहा है, और आज पाकिस्तान का मीडिया भी एशिया के सबसे बड़े स्टेडियम की बात कर रहा है जो बांग्लादेश में बनने जा रहा है। और आज ये बात करूंगा कि ये एशिया का सबसे मुनफरिद और एशिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बांग्लादेश में बनने जा रहा है। तो आज इसी हवाले से वीडियो है कि पाकिस्तान का मीडिया इस स्टेडियम के बारे में क्या बात कर रहा है। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। हैवी, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। हाजिर है एक और मेगा प्रोजेक्ट जो कि एशिया का सबसे महंगा क्रिकेट स्टेडियम होने जा रहा है। इस स्टेडियम की तमाम तर मालूमात आप तक पहुंचाएंगे, इस स्टेडियम का काम कहां तक पहुंचा है इस हवाले से भी अपडेट करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि हमारा चैनल स्टेडियम के अपडेट्स के लिए मुख्तस है, लिहाजा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी अपडेट्स आपको इसी अंदाज में मिलती रहें। इस स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन का ऑपरेशन 2018 में शुरू किया गया, लेकिन नाजरीन 2019 में ये शानदार डिज़ाइन रिलीज़ किया गया। मगर इस स्टेडियम की तामीर हमेशा अल्तवा का शिकार रही, मगर हाल ही में बांग्लादेश बोर्ड ने मशहूर कंपनी जो कि फुटबॉल और ओलंपिक्स के स्टेडियम्स बना चुकी है द पॉपुलस आर्किटेक्चर्स को ये प्रोजेक्ट बोर्ड की 7वीं एग्जीक्यूटिव कमेटी में दे दिया गया, जो कि 6 महीने के अंदर ही स्टेडियम का काम शुरू कर देगी। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ने कहा है कि हम इस स्टेडियम पर जल्द अज जल्द काम शुरू करना चाहते हैं। इस स्टेडियम को 2023 में मुकम्मल होना था, मगर अब जबकि ये कॉन्ट्रैक्ट हतमी शक्ल को पहुंच चुका है, लिहाजा अब ये स्टेडियम 2026 यानी 30 महीने की मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा। जबकि बांग्लादेश ने 2024 का T20 वर्ल्ड कप भी होस्ट करना था, तो पहले इस स्टेडियम को इस इवेंट का फाइनल मुनक्किद करने की ख्वाहिश रखी गई थी, जो कि अब मुमकिन नहीं लगती। इस स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन कास्ट 1300 करोड़ यानी $140 मिलियन है, जो कि 38 एकड़ के रकबे पर बनाया जाएगा और स्टेडियम में ऑस्ट्रेलियन ग्रास लगाया जाएगा। उम्मीद करते हैं व्यूवर्स आपको हमारी ये आज तो जी व्यूवर्स ये थी वीडियो, और आपने देखा कि पाकिस्तान का मीडिया ये बात कर रहा है कि 2018 में इस स्टेडियम को शुरू किया गया लेकिन बार बार इसके ऊपर काम रोक दिया गया, लेकिन इस दफा ये बहुत ही मशहूर आर्किटेक्चर को ये प्रोजेक्ट दे दिया गया है और आने वाले टाइम पे 2026 के अंदर इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। 2026 में ये स्टेडियम कंप्लीट हो जाएगा। 2024 के वर्ल्ड कप के अंदर इस स्टेडियम में फाइनल करवाने का इरादा था बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का, लेकिन वो पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन ये बात की जा रही है कि 2026 में ये स्टेडियम रेडी हो जाएगा। ये एशिया का मुनफरिद स्टेडियम होगा जो एक बोट की शक्ल में होगा, और ये एशिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। ये बांग्लादेश की खुशकिस्मती है कि बांग्लादेश के अंदर एशिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। तो ये थी आज की वीडियो, आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।